गाइस, तो मैं जा रहा हूँ इन्वर्टर बैटरी इंस्टॉलेशन के लिए, जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर, माइक्रोटेक की बैटरी। ये है माइक्रोटेक का इन्वर्टर और माइक्रोटेक की बैटरी यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इंस्टॉल है, लोकेशन कहाँ पे हम दे रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स कलीग से प्रॉपर्टी डीलर है, उनके यहाँ पे मैं बैटरी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा और साथ ही ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि माइक्रोटेक का इन्वर्टर ये इसका अनबॉक्सिंग क्या क्या फीचर्स है सब कुछ। और इंस्टॉलेशन के वीडियो में आपको कम्प्लीटली दिखा दूंगा किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है, करना है। सिंगल इन्वर्टर की बैटरी और एक सिंगल इन्वर्टर के लिए, एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर और 12 वोल्ट की बैटरी कम्प्लीटली सेटअप, उसका बजट सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। सो वेट एंड वॉच, बाय। सो गाइस, यहाँ पे माय 11 स्क्वायर फीट हमारे फ्रेंड्स कलीग्स का यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे बैटरी का अनबॉक्सिंग करेंगे और इंस्टॉलेशन करेंगे, तो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है वारंटी कार्ड, आप देख सकते हैं ये माइक्रोटेक का सब कुछ होने वाला है इस तरीके से। और ये कैप और ये हमारी बैटरी, अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो इस तरीके से माइक्रोटेक की बैटरी जो 150 एम्पीयर की है और 36 महीने वारंटी इसकी है, और टर्मिनल जो कैप है इस पे हम निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। और 6 साल भर में इसमें आपको डिजिटल वाटर देखना होता है बैटरी मेंटेनेंस के लिए। तो अभी इंस्टॉलेशन की थोड़ी थोड़ी प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, अभी हम करेंगे अनबॉक्सिंग अपने माइक्रोटेक इन्वर्टर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल आप देख लीजिए माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, 1275 मॉडल नंबर है, ये आप देख लीजिए। और टोटली हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसका करेंगे बाद में अनबॉक्सिंग। सो इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको नॉर्मली करना है, अभी यहाँ पे तकिया जैसे गद्दी जैसे है, इसलिए हमने आप यहाँ पे पलटा दिया है। आपको केयरफुली हैंडल करना है, इसको बाहर निकालना है। सो इस तरीके से माइक्रोटेक का इन्वर्टर होने वाला है। और आप देख लीजिए, ओवरऑल आप ये ब्लैक कलर में आता है, माइक्रोटेक HB हाइब्रिड प्योर साइनव्यू का इन्वर्टर है 24x7। और ये वारंटी कार्ड 2 साल कॉन्सेप्ट वारंटी होता है, ये आपको संभाल के रखना है। बैटरी लेते, इन्वर्टर लेते, उसके साथ में वारंटी कार्ड, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वारंटी को संभाल के रखना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। आपको यहाँ पे फ्रंट पैनल में और पीछे काफ़ी कुछ दिया रहता है, यहाँ पे मेन्स ऑन, UPS ऑन, चार्जिंग जब आप लगाते हैं तब आपको दिख जाएगा, तब हम ये आपको दिखा देंगे। मेन्स ऑन, चार्जिंग, ओवरलोड, बैटरी लो, CBC 3P, ये सब कुछ दिया गया रहता है। सो इस तरीके से ये ओवरऑल अभी बैक साइड में, रियर साइड में थोड़ा सा हम बात कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, माइक्रोटेक का ये इन्वर्टर है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे UPS मोड पे रखना है तो यहाँ पे UPS के लिए जैसे ये स्विच है, ये अभी नीचे है, आप देख सकते हैं इन्वर्टर मोड पे हो गया है, और आप इसको ऊपर करेंगे तो ये UPS मोड पे हो गया। आपकी ट्यूबलर फ्लैट प्लेट बैटरी है तो हिसाब से ये रहेगा, हमारी ट्यूबलर है तो अभी ये तो फ्लैट प्लेट पे नीचे है, ट्यूबलर है तो ऊपर, ट्यूबलर पे आप रख दीजिए। वोल्टेज रेंज स्टैंडर्ड पे, हाई पे अभी हम स्टैंडर्ड पे रखते हैं। सो इस तरीके से ये बाईपास स्विच यहाँ पे दिया गया है, अगर कुछ इशू आता है तो बाईपास आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर अभी UPS पे ही रखना है। तो अभी हम हमारा बाकी का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। केबल देख सकते हैं आप, जो इन्वर्टर बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे, जो निगेटिव पॉजिटिव जो केबल है वो लगभग 1 मीटर के लगभग, मतलब ये 1 से 1.5 फीट का होने वाला है, जो काफ़ी सफिशियंट है, थोड़ा और लंबा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर ये सफिशियंट है। अभी आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अभी आप इंस्टॉलेशन देख लीजिए किस तरीके से वायर हम कनेक्ट करेंगे, जो इन्वर्टर से जो रेड और ब्लैक वायर आया है, तो आपको बैटरी के पॉजिटिव में रेड वायर लगाना है, ये प्रॉपरली आपको लगाना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ओवरऑल, तब आप समझ जाएंगे किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करना है। अगर आप नए होंगे तो इस तरीके से कर लीजिए, केबल का पॉजिटिव वायर जो आपका निकला है, जो आपके इन्वर्टर का, वो आप बैटरी के पॉजिटिव को लगा लीजिए। और आपका कनेक्शन फिक्स होना चाहिए, प्रॉपरली टाइट कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा लूज नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं। और बाकी जो काम रहता है वो आपके इलेक्ट्रीशियन आपको करके दे देंगे, क्योंकि इतना आप मत समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है, जो पार्ट होता है, वो इलेक्ट्रीशियन करेगा और आपका जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है वो आप करेंगे, तो बाकी वो चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब ये मैक्सिमम नया सेटअप, ये यहाँ पे नया सेटअप लगा हुआ है तो नया सेटअप मैक्सिमम रहता नहीं है। जैसे आपने अभी यहाँ पे बैटरी लगा दी किसी कस्टमर के यहाँ पे, तो जब आप जाएंगे तब उसके यहाँ पे बैटरी लगी हुई रहती है, तो सिर्फ आपको निकालना है और बैटरी फिट कर देना है। नए कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी सेटिंग रहती है इन्वर्टर की, वो अगर इलेक्ट्रीशियन रहता है तो प्रॉपरली ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आपको किसी को पूछना पड़ेगा।
आपके दोस्त फ्रेंड्स किसी को आप पूछ सकते हैं कुछ इशू आता है तो। अदरवाइज़ ये देख सकते हैं स्पार्क, यहाँ पे स्पार्क हुआ है, नई बैटरी जब भी आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव लगाओ या कोई भी एक केबल लगाने के बाद में दूसरा केबल लगाएंगे तो स्पार्क होगा, तो डोंट वरी। यहाँ पे हमारा कनेक्शन शुरू हो गया, हम ऑफ कर देते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस होने वाला है, तो नए कनेक्शन में आपको इशू आ सकता है थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट इशू नहीं है। इलेक्ट्रिशियन आपका मतलब उनका काम कर देंगे, आपको बैटरी इंस्टॉल करके सिर्फ मेंस का वायर इन्वर्टर के पीछे लगाना है और इन्वर्टर का वायर जो मेंस आया वायर इन्वर्टर के पीछे लगाना है, इन्वर्टर का वायर जहाँ से उन्होंने कनेक्शन दिया वहाँ पे लगाना होता है। तो ये काफ़ी ईजी है, बस आप इंस्टॉलेशन का पार्ट देख लीजिए और आप यहाँ पे केबल जो होते हैं वो आपको फिक्स करके रखना है, मतलब प्रॉपरली टाइट कनेक्शन आपको रखना है। सो इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पे प्रॉपरली टाइट हो गया है, आप कनेक्शन करके रख दीजिए। और यहाँ पे अभी ये है पेट्रोलियम जेली जो आपको बैटरी के साथ में मिलेगी, या फिर हो सकता है कि नहीं मिलेगी, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो एक आप पेट्रोलियम जेली नहीं मिलती बाहर तो वैसलिन भी आप लगा सकते हैं। अभी वैसलिन से होता ये है कि जैसे जंग लगना, प्रॉपरली करंट पास होना, मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब ये रोकता है, मतलब एक वेल मेंटेन रखता है, ये एक मेंटेनेंस का पार्ट है, मेंटेनेंस कि कभी काफ़ी सारे वीडियो हमारे बने हुए तो ये आप देख लीजिए इस तरीके से मेंटेनेंस करना है। छः छः महीने में साल भर में आप इस तरीके से वैसलीन है पेट्रोलियम जेली आपके पास में होगी तो आप लगा लीजिए। सो इस तरीके से आप हमारा पेट्रोलियम जेली वैसलीन लगाने का पार्ट हो गया है, इस तरीके से ये नीट क्लीन रहेगा। सल्फेशन वगैरह जो आता है वो यहाँ पे नहीं आएगा, बैटरी भी सल्फेशन वाइट कलर का आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी जमा हो जाता है। और ये कैप से आपको निकालना, यहाँ पर हम लगाएंगे हमारे जो कैप, अब आपको दिखा देते हैं। सो वो आपको यहाँ पे लगाना है, आप वाटर देख लीजिए कितने लेवल तक के वाटर है, और आपको इसी लेवल तक के वाटर बाद में रखना है जब एक साल हो जाएगा बैटरी का मेंटेनेंस का जो पार्ट है, तो उतना ही मेंटेन रखिए जो मेंटेनेंस आप करेंगे एक साल में, वाटर देखिए छः महीने में देखिए। तो ये कैप यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, ये कैप यहाँ पे मिलता है आपको बैटरी के साथ में, ये लगाएंगे उसके ऊपर में रेड येलो मार्क है तो आप प्रॉपर समझ जाएंगे। जैसे अभी ये ग्रीन पे यहाँ पे मार्क है तो ये रेड पे मार्क आएगा, यहाँ पे नीचे नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा डंडी, तब आप समझ जाएंगे। अभी ये ग्रीन पे है, जब ये नीचे आएगा तब आपको वाटर डालना है, इस तरीके से मेंशन होता है। तो आप देख लीजिएगा वाटर कितना है जब नई बैटरी आप लेते हैं, और उतना ही वाटर आप रखिए बाद में, जब बाद में आप एक साल के बाद में या छः महीने में जब मेंटेनेंस करेंगे तब डिजिटल वाटर आपको डालना है। अभी यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है, आप देख लीजिए इंस्टॉलेशन हमारा ओवरऑल हो गया है, बस अभी शुरू हो जाएगा हमारा इन्वर्टर, मतलब कंप्लीट हमारा सेटअप हो गया है। इस तरीके से हमारा सेटअप यहाँ पे हो गया, प्रॉपरली इंस्टॉल कीजिए, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में तो यहाँ पे हमें कमेंट आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तब हम आपको बता देंगे कि क्या रिप्लाई देंगे। कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होंगी इन्वर्टर बैटरीज के रिगार्डिंग, कुछ इशू होगा ये वीडियो में आपने देखा होगा तो कुछ इशू होगा, कुछ पूछना होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ओवरऑल हमारा इंस्टॉलेशन सारा हो गया है और हमारा सिस्टम शुरू हो गया है और जो लाइट का जो कनेक्शन दिया है वो भी शुरू हो गया है ओवरऑल। सो इस तरीके से सेटअप है माइक्रोटेक का, जिसका बजट आपको लगभग 19,000 से 20,000 का आने वाला है। 2 साल की वारंटी ऑन साइट माइक्रोटेक पे और बैटरी की 36 महीने की वारंटी है। सो इस तरीके से ओवरऑल हमारा सेटअप है। सो देख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में कोई नहीं होगा तो आज के लिए इतना है, तो देख विषय मिलते हैं शिक्षा नेटवर्क के साथ, मिलते हैं।